एक बिजली का सिस्टम तैयार किया गया है जिससे बिजली बनाई जा रही है। पानी से एक मैट्रिक और आठवीं क्लास के दो भाइयों ने मिलकर पानी से बिजली बना डाली है। जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाज़रीन, इस टाइम मैं एक गांव के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको एक गोल दायरा सा घूमता नज़र आ रहा है। ये कोई मौत का कुआं नहीं है जिसके अंदर बाइक चलाते हैं लोग। ये एक बिजली का सिस्टम तैयार किया गया है जिससे बिजली बनाई जा रही है। पानी से एक मैट्रिक और आठवीं क्लास के दो भाइयों ने मिलकर पानी से बिजली बना डाली है जिससे एसी चल सकते हैं, घरों में बिजली सप्लाई हो रही है। और इनका फ्यूचर में इरादा क्या है, हम इनसे बात भी करते हैं और जानते हैं कि इस जो 20 फुट का आपको ये रूलर मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इसको बनाने में कितनी देर इनको लगी और इनका कितना पैसा खर्च हुआ, कितना टाइम हुआ दो भाइयों ने मिलकर बनाई, या साथ में कुछ और लोग भी थे। ये देखिए, आपको एक नीचे चक्की भी नज़र आ रही है जो घूमती है, और जब इसको घुमाया जाता है इसके ऊपर इस मोटर से पानी ऊपर गिरता है और वह पानी जो है उससे फिर बिजली तैयार की जाती है, जो बिजली घरों में सप्लाई हो रही है जिससे एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं। और इन्होंने तो अपने गांव का नक्शा ही बदल दिया है, वो इसलिए कि बिजली के जो बिल हैं उनसे निजात दे दी गई है इस गांव को। और फ्यूचर में इनका क्या इरादा है, आए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इन्होंने सोलर सिस्टम के ऊपर ये मोटर लगाई गई है, लेकिन ये जो बिजली का सिस्टम है ये इन्होंने कितनी देर में तैयार किया और इसके ऊपर कितने पैसे खर्च हुए। आए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्लाह का करम है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप दोनों भाइयों ने मिलके बिजली का जो सिस्टम तैयार किया है, आप दोनों ने मिलके ये तैयार किया है, कितना अरसा लगा और इसके ऊपर कितना खर्चा आया? तकरीबन इस पर अरसा जो है ना, एक साल लग गया तकरीबन। अच्छा, जो खर्चे की बात करें वो तकरीबन 3 लाख आ गया खर्चा इस पर अभी तक। ठीक है, जो हमने खर्चा किया है सब मिलाकर 3 लाख खर्चा हो गया। 3 लाख रुपये आपका खर्चा हुआ और 2 साल 1 साल लगा तकरीबन। जी जी। आइडिया कहाँ से आया? आइडिया हमने वैसे ये यूट्यूब पर देखते थे, काफ़ी चाइना में, यूरोप ममालक में ये तकरीबन तैयार हो रहे हैं, और एक हमारे पाकिस्तान में एक दो जगह पर भी हो रहे हैं तैयार। अच्छा, इस तरह के ही। पहले हमने ये छोटा बनाया था, वो नहीं कामयाब हुआ, फिर उसके बाद ये बड़ा बनाया। इसकी हाइट तकरीबन 20 फुट है। ठीक है जी। और ये जो डिब्बे आपने इसके अंदर लगाए हैं, इनको आप दोनों भाइयों ने खुद ही मिलके एक एक पीस करके जोड़ा? जी, इस तरह ही हमने खुद ये पीपे बाजार से लाए हैं और खुद ही लगाए हैं। तकरीबन यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी थी। जी जी। कितने घरों को अब तक आप बिजली दे चुके हैं? अभी घरों तक तो नहीं, हमारा वो काम नहीं हुआ अभी। ये डेमो है ना, जो तकरीबन सही इसके चक्कर नहीं अभी पूरे हो रहे। अभी इस पर वो चारा बनाने वाली मशीन है वो भी चल सकती है, और एक पंखा बल्ब एसी भाई इस पर अभी ये चला सकता है एक। अभी ये जो ये है ना चरखा, इसका अब हम साइज़ बड़ा करेंगे तकरीबन 40 फुट। ठीक है। उसके बाद ये मोटर जो है ना ये चलेगी इसके ऊपर। आगे हमने सोलर लगवाया हुआ है, वो अभी चल रहा है जी। अभी सोलर यानी कि जितने प्रेशर से ये पानी गिरेगा फिर उससे बिजली तैयार होगी। जी, इस तरह ही जी। नाजरीन, ये कौन सा गांव है और किस जगह पे आपने ये बिजली जो है ना बनाने वाला सिस्टम तैयार किया? ये मंडी बावल दीन में डाकखाना बिक्की शरीफ डेरा टिब्बा मौलू गोंदल के ऊपर हमारी रहायश है। ये यहाँ वहाँ पर काम शुरू हो रहा है जी। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? मैंने 8th क्लास के तक मुकम्मल। अच्छा। किया। आप भी उसके साथ मिलके वीडियोस देखते थे, या आपको ये लगता था कि हम वीडियो देख के जो है ना वो बिजली तैयार कर सकते हैं, कुछ और बनाने का इरादा था? नहीं, हमने वीडियो देख कर ये बिजली का इरादा रखा है। वो तकरीबन अभी तकरीबन हो जाएगा कामयाब अल्लाह के हुक्म से जी। आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं अभी हम, उसके बाद ये जो काम मुकम्मल जब होगा उसके बाद तकरीबन देखेंगे। अभी ये बिजली बना रही है, आपको बताया पहले भी, चारा कतरने वाली मशीन वो सब चला रही है। अभी ये मोटर जो है ना ये बड़ी है, ये नहीं चलाती है। उसके बाद ये हम इसको बड़ा करेंगे 40 फुट। आप 40 फीट का इसको कर देंगे तो कितने घरों को आप बिजली फराहम कर सकते हैं? घरों को तकरीबन 2-3 घर जो है ना इसके ऊपर, अभी जब 40 फुट का होगा ना ये, 2-3 घर जो हैं इसको इससे आसानी से बिजली ले जाएंगे। और लेकिन हमारा इरादा जो है ना, हमने जिस इरादे से इसको बनाया है, हमने ये जो पानी नहीं वाली मोटर इसको हमने चलाना है। तकरीबन ये 5 की मोटर है, 4 इंच का पैप है इसका, इसको हमने चलाना है इसके मदद से ही, डायनमो की मदद से। ये जब एक दफ़ा चल जाएगी उसके बाद इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, रात दिन चलेगी। हमारा भी फ़ायदा है, तकरीबन एक बार खर्चा है। सोलर जो हमने लगवाया हुआ है ये तो दिन को ही सिर्फ चलता है। ठीक। रात को तो नहीं ना चलता जी। तो ये रात दिन को, इसका कोई मौसम का नहीं इशू, रात दिन
धुंध हो, बारिश हो, कोई मसला नहीं, ये सब मौसम में चलेगा। जी जी नाजरीन, देखें पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और हम जो टाइम वेस्ट करते हैं, नौजवान हमारे, उनको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। इन्होंने सिर्फ यूट्यूब से वीडियोस देखकर आइडिया लेके 2 लाख रुपए, तकरीबन 3 लाख रुपए इनके लगे हैं, और एक साल के अंदर दोनों भाइयों ने मिलके, जो कि एक मैट्रिक का स्टूडेंट है और एक एट क्लास का स्टूडेंट है, दोनों ने मिलकर बिजली तैयार करने वाला सिस्टम जो है ना तैयार कर लिया है। आपको पता है कि लोड शेडिंग की पाकिस्तान में कितनी कमी हो जाती है जब गर्मियाँ आती हैं ख़ास तौर पे, तो इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। और इस तरह के नौजवान अगर हमारे मुल्क का एसेट है, अगर इनको प्रमोट किया जाए, गवर्नमेंट को भी इनके तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर इस तरह के नौजवान जो हैं वो तकरीबन कोई और सारे गांव में अपने अपने नौजवान दो एक तैयार हो जाएँ, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बिजली का जो बहरान है उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। और अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे तो इतनी बड़े हमारी नहर हैं, डैम हैं, उनसे भी इस तरह के नौजवान जो हैं वो बिजली बनाकर पाकिस्तान को मुस्तफीद कर सकते हैं। अभी इस जो इन्होंने ये सिस्टम तैयार किया है, इसके ऊपर तकरीबन एक एसी और पंखे और चारा काटने वाली जो मशीन है, जो टोका जिसे कहते हैं, जिससे पट्ठे चारा काटते हैं गांव में लोग, वो भी इसके ऊपर चल सकता है। सोलर सिस्टम के ऊपर इन्होंने तैयार किया है, एक साल लगा है, छोटे छोटे से पीसीस को आपस में जोड़ा गया और उसके बाद बिजली को जो है ना तैयार किया। बड़ी अनथक इनकी मेहनत थी, और इनकी मेहनत को हम सराहते हैं, वो इसलिए कि देखें पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एजुकेशन अगर आपके पास है, आपने मास्टर्स किया हुआ, आपके हाथ में डिग्री है, अगर आपके पास कोई स्किल या एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप किसी काम के लिए, एजुकेशन ज़रूर हासिल करें, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जो 7th, 8th या 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको स्किल सीखनी चाहिए। स्किल सीख के कोई ना कोई अपना टैलेंट जो है दिखाना चाहिए। तो पाकिस्तान में टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। आपके सामने देखें, ये इससे घूमता और इससे मोटर चल रही है, पानी आपको पता साफ़ और शफाफ आ रहा है, खेतों को पानी लगाया जा रहा है, इसकी सप्लाई खेतों में भी दी जा रही है और घरों में बिजली सप्लाई हो रही है। इंशाल्लाह फ्यूचर में इन्होंने कहा है कि ये पूरे गांव को बिजली फ्राहम करेंगे, और अगर इनको नहर जो साथ बह रही है उसके साथ इजाज़त दे दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये तकरीबन 8 से 10 जो गांव हैं उनको भी बिजली फ्राहम इंशाल्लाह करेंगे। उसके ऊपर काफ़ी खर्चा आएगा, काफ़ी मेहनत होगी, इनको अपनी एक टीम जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। तो अगर लीडरशिप अच्छी और टीम अच्छी हो तो पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, यूरोपियन कंट्री और इंडिया जैसे ममालिक जो हैं वो प्रमोट करते हैं टैलेंट को, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट को दबा दिया जाता है, प्रमोट नहीं किया जाता। तो मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ भी ये वीडियो देखी जा रही है, इन बच्चों को ज़रूर प्रमोट करें, ताकि ये बड़ा जो है बिजली का वो सिस्टम लगाएं, जिससे जो है ना वो काफ़ी जो हद तक के साथ वाले गांव उनको बिजली फ्राहम की जाए। कोई पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को आप? पैगाम तो यही है नौजवानों को, ये जो अपने अपने गांव में तकरीबन जो लड़के आजकल ज़्यादा फ्री होते हैं, इनको चाहिए कि अपने गांव का कुछ सोचें। ये बिजली के बिल जो है ना ये बहुत मुश्किल हो गए हैं जी, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पैगाम यही है कि सब लोग अपने अपने गांव में ये तैयार करें, ये इसका फ़ायदा भी है, नुकसान को नहीं है। तकरीबन इसमें खर्चा भी थोड़ा बहुत आता है, इतना खर्चा भी नहीं है जी। अगर गांव के कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग गांव, एक गांव में तकरीबन 200-300 से ज़ायद घर होते हैं, अगर लोग गरीब हैं तो सारे लोग 1,000-1,500 रुपया दें, कुछ वहाँ पे टैलेंटेड बच्चे उनको तैयार करें, तो मेरे ख्याल में हर गांव में अगर इस तरह के 2-3 बच्चे तैयार हो जाए तो अपने गांव की बिजली जो है वो सेव कर सकते हैं, बिजली के बिलों से निजात पा सकते हैं। खाना आप खाएँ ना खाएँ, आप बिजली का बिल ज़रूर भरेंगे, और अगर आप बिजली का बिल नहीं भरते तो आपका मीटर काट दिया जाता है वार्निंग के बाद, और जब बिजली काट जाती है फिर गर्मी मच्छर आपको बहुत काटते हैं। तो इसलिए ज़रूर सोचें, पाकिस्तान जिंदाबाद, और हुसैन और उसका भाई पाइंदाबाद जिन्होंने बिजली का सिस्टम तैयार किया है, बहुत मुझे पसंद आया, और मैं चाहती हूँ कि हर गाँव में इस तरह के बच्चे निकलें। ज़रूरी नहीं कि वो बिजली तैयार करें, कुछ भी अपना टैलेंट दिखा के पाकिस्तान जो इस टाइम महंगाई के इस शिकार है उसको इस महंगाई के बहरान से निकाला जा सकता है। अगर इस तरह के छोटे छोटे से सिस्टम लगाए जाएं तो काफ़ी हद तक 2-3 घरों का भी ज़िम्मा ले लिया जाए, काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। थैंक यू सो मच, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।